राजा विनय सिंह अत्यंत शक्ति संपन्न थे। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, न ही किसी की योग्यता की कद्र करते थे। इसीलिए उनके ही राज्य के अनेक लोग उनसे अप्रसन्न थे। वे अक्सर राज कर्मचारियों पर हमला बोल देते थे। राजा विनय सिंह इस बात से बेहद परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु को इस बारे में बताया। राजगुरु, राज्य में कभी शांति कायम नहीं रहती, जगह जगह उत्पात चलते ही रहते हैं। दूसरे राज्यों में बाहर से हमले होते हैं, लेकिन हम पर हमला करने वाले हमारे ही राज्य के लोग हैं। ऐसे में हम उन पर कैसे वार करें? राजगुरु बोले, पुत्र तुम उन पर बिना देखे वार करो। विनय सिंह हैरानी से राजगुरु से बोले, भला बिना देखे वार कैसे करूं? ऐसा तो कोई हथियार नहीं होता जो शत्रु को देखे बिना उस पर चलाया जाता हो। ऐसे अनजाने अनदेखे हमला करने वाले व्यक्तियों को भला मैं कैसे किस शस्त्र से मारूं? राजगुरु बोले, तुम उन्हें ऐसे शस्त्र से मारो जो लोहे या किसी सख्त धातु से न बने हो, अद्भुत हो और सीधा हृदय को बेंधने वाले हो। अब तो राजा और बेचैन हो गए। उन्होंने राजगुरु से बोला, गुरुजी भला ऐसे कौन से शस्त्र हैं और कहाँ मिलते हैं? मैंने तो ऐसे शस्त्रों के बारे में नहीं सुना है। राजगुरु बोले, मैं तुम्हें उन अद्भुत शस्त्रों के बारे में बताता हूँ। पहला शस्त्र है यथाशक्ति सारी प्रजा को जीविका उपलब्ध कराना। जब प्रजा को रोजगार मिल जाता है तो उनकी अधिकतर समस्याएं हल हो जाती हैं। दूसरा शस्त्र है मीठा बोलना और मीठे बोल के अनुरूप ही काम करना। तीसरा शस्त्र है योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना। ये तीनों शस्त्र लोहे या सख्त धातु के बने हुए नहीं हैं, लेकिन लोगों के हृदय पर काफी प्रभाव डालते हैं। इन शस्त्रों के माध्यम से तुम अपने विरोधियों को जीत लोगे और वे तुम पर पीछे से प्रहार नहीं कर सकेंगे। राजगुरु की बातें सुनकर राजा विनय सिंह को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने शीघ्र ही अपने व्यवहार को बदला और कुछ ही समय में प्रजा के प्रिय बन गए।